ईट्स बाय हीना दीवान में। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो किड्स की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और वो है फ्रूट पॉप्सिकल्स। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फ्रेश फ्रूट से पॉप्सिकल्स और आइसक्रीम्स जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो सबसे पहले मैंने लिया है वाटरमेलन। वाटरमेलन को मैंने ऐसे कट करके ले लिया है और जार में इसे मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने 1 स्पून रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। 1 मिनट के लिए आप अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है और ये मैंने पॉप्सिकल मोल्ड लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है अमेज़ॉन पे भी और मार्केट में भी आपको मिल सकता है ये। और अब हम इस पल्प को मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस तरीके से। और अब मैंने ली हैं ब्लैक ग्रेप्स। ब्लैक ग्रेप्स को भी मैं इस तरीके से जार में डाल दूँगी और उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप पानी ऐड कर सकते हैं और 1 स्पून मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर लिया था। तो ये ब्लेंड हो गया है मेरा और इसके बाद मैं इसे भी छान लेती हूँ। और इसे भी हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैंने मैंगोज़ ले ली हैं। मैंगोज़ को भी मैंने इस तरीके से कट करके ले लिया था। जार में डाल के इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। 1 स्पून शुगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ब्लेंड हो गया है। थोड़े से इसमें मैंने मैंगो के चंक्स रखे हैं, वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप आइसक्रीम बन जाएगी पॉप्सिकल तब आप इसे खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम ग्रीन ग्रेप्स का भी पॉप्सिकल रेडी कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे हम। इसमें भी मैंने 1 स्पून शुगर ऐड कर लिया है और ये हो गया रेडी। अब इसको हम भी छान लेंगे और मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप फ्रूट्स ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पॉप्सिकल्स। और ये पॉप्सिकल के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स को ऐसे रफली चॉप कर लिया है और 3 से 4 स्पून मैंने वाटर लिया है। उसमें मैं 1 स्पून हनी ऐड कर रही हूँ। शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको आप लाइक करते हो। तो अभी मैंने इसमें हनी ऐड किया, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसमें। और एक पॉप्सिकल मोल्ड में ले लेती हूँ, उसमें पहले ये फ्रूट्स ऐड कर देंगे हम। 1 बाय 1 मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें जो ये हनी वाटर है ये भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, और 7 से 8 आवर्स में आपकी ये पॉप्सिकल्स रेडी हो जाएंगी। तो ओवरनाइट मैंने इन्हें पॉप्सिकल को रख दिया था तो ये परफेक्टली रेडी हो गई हैं। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 ग्लास में वाटर ले लिया है। वाटर में हम इसे 1 बाय 1 डिप करते जाएंगे और ये ईजिली डीमोल्ड हो जाएंगी। तो ये एक कर लेते हैं। पहले ये वाटरमेलन पॉप्सिकल मैंने निकाली है। अब ये इजीली आ जाएंगी बाहर बिल्कुल। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये। एंड दीज आर टोटली फुल ऑफ गुडनेस ऑफ फ्रूट्स। ये मिक्स फ्रूट्स की हम एक बार डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ये देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि खाने का ही मन कर जाए। तो इन पॉप्सिकल्स को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और आपके बच्चे इन पॉप्सिकल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक ही दिन में फिनिश कर देंगे। जो भी फ्रूट्स बच्चों को पसंद हो उसी का आप बना सकते हैं। तो इस गर्मी इसे ज़रूर आप ट्राई करें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी पॉप्सिकल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। So friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.